Your imagination is your preview of life coming attraction. So good morning guys, and I'm here for touching our new books and new chapter, and my book is Sparrow English class 3rd, and the chapter is Welcome Back to School. Sparrow English, and its publication is Spring Hill, and I am going to start our lesson Welcome Back to School. Dear student, summer has ended. The school year at last has begun. प्यारे बच्चों, गर्मी की छुट्टी समाप्त हो चुकी है और जो स्कूल का ईयर है, एकेडमिक ईयर, वो शुरू हो चुका है. बट दिस ईयर इज़ टोटली डिफरेंट. आई प्रोमिस वी विल हैव ओनली हैव फन. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द इमेजिनेशन ऑफ पोएट दैट What student like? बच्चे क्या पसंद करते हैं, इसके आधार पे जो पोएट हैं वो इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा कह दिया जाए बच्चों को, ऐसा स्वप्न दिखा दिया जाए बच्चों को, तो पल भर के लिए उन्हें बहुत खुशी मिलेगी. सो यू वॉन्ट टू से दैट इट इज़ फनी पोएम. और तो ये बट दिस ईयर इज़ टोटली डिफरेंट. ये साल बिल्कुल अलग सा रहेगा, ऐसा स्वप्न दिखा रहा है पोएट बच्चों को और बता रहा है आई प्रोमिस वी विल ओनली हैव फन, कि हम लोग इस साल केवल इन्जॉय करेंगे, केवल मज़े करेंगे. वी वो नॉट स्टडी एनी मैथमेटिक्स, और हमको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. एंड रेसेस विल लास्ट ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन तक हमारा रेसेस यानी इंटरवल चलेगा. इन स्टीड ऑफ प्लीज एंड एलिगेंस, प्लीज और एलिगेंस जो कि बच्चे मॉर्निंग में करते हैं असेंबली में, वो अब उनको करने की ज़रूरत नहीं होगी और उसकी जगह पे वो रॉक एंड रोल सॉन्ग गाएंगे. आगे पर थर्ड स्टेप में कहते हैं वी विल ओनली प्ले गेम्स इन क्लासरूम. हम लोग क्लासरूम में केवल खेल खेलेंगे. और यू आर वेलकम टू ब्रिंग योर टॉयज, यदि आप अपने खिलौनों के साथ आते हैं तो आपका स्वागत किया जाएगा, आपको डांटा जाएगा, फटकारा नहीं जाएगा, डांटा फटकारा नहीं जाएगा. इट इज़ ओके टू रन इन द हॉलवेज, और स्कूल का जो हॉल है उस हॉल में अगर आप दौड़ते हुए नज़र आते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा. एंड इट्स ग्रेट इफ़ यू मेक लॉट्स ऑफ नॉइज, अगर आप ढेर सारा शोर करते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा, बहुत कोई डांट फटकार नहीं मिलने वाली है, बहुत अच्छा होगा, बहुत आनंददायक होगा. इसके बाद के लाइनों में फॉर होमवर्क, जैसा कि बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है होमवर्क में, सो इन केस ऑफ होमवर्क ही ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट इंटरेस्टेड थिंग ऑन स्टूडेंट. सो फॉर होमवर्क यू विल प्ले योर वीडियो, आपको होमवर्क में अपने वीडियो प्ले करना होगा. यू विल हैव टू वॉच लॉट्स ऑफ टीवी, और आप ढेर सारा टीवी देखेंगे, और टीवी में अपने मन पसंदीदा कार्टून चैनल और जो भी आपको बच्चों का चैनल पसंद आता हो वो आप देखेंगे. फॉर फील्ड ट्रिप वी विल गो टू द मूवीज़, और कहीं जैसे कि हम लोग टूर पे जाते हैं तो टूर पे जब जाएंगे तो हम लोग टूर पे ना जाकर हम लोग मूवी देखने जाएंगे. एंड गेट्स लॉट्स ऑफ कैंडीज फॉर फ्री, और जब मूवी देखने जाएंगे तो वहाँ पर आपको टॉफियाँ, ढेर सारी कैंडीज फ्री में मिलेंगी.
द लंच रूम विल ओनली सर्व चॉकलेट, और जो लंच रूम है जब लंच करने के लिए समय होता है, चूँकि पोएट ने एक्सप्लेन किया है कि होल डे होगा और उस लंच रूम में आपको चॉकलेट मिलेगी एंड ट्रिपल फ्यूज संदेश, और ट्रिपल फ्यूज संदेश, फ्यूज मतलब वेरियसली फ्लेवर्ड स्वीट, अलग अलग स्वाद की मिठाइयाँ मिलेंगी, और संदेश जो है वो आइसक्रीम टॉप्ड विद फ्रूट, ऐसी मिठाई है आइसक्रीम लगी हुई जिसके ऊपर फ्रूट यानी कि फल के कुछ टुकड़े दाने लगे होते हैं, वो ट्रिपल फ्यूज संदेश आपको खाने को मिलेगा। और आगे पोएट अपनी ओपिनियन देता है कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली में कहाँ होने वाली हैं, तो वो बताता है यस दैट्स वॉट आई हियर फ्रॉम माई टीचर, और ये मैं अपने टीचर से क्या सुन रहा हूँ, क्या बिफोर आई वोक अप फ्रॉम माई ड्रीम, जब मैं अपने सपने से उठा। इसका मतलब है कि पोएट इमेजिनेशन कर रहा है, बच्चों को ये सपने दिखा रहा है, सपने में ही ये सारी क्लासरूम सारी चीज़ें उन्होंने अरेंज की है। सो बच्चों, ये तो अभी रही स्टडी की बात, हमने स्टडी कर ली, चैप्टर को पढ़ लिया, एंजॉय कर लिया। अब एंजॉय के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है आपके जो चैप्टर में है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट, टेक द करेक्ट आंसर में जो पहला है क्वेश्चन, विच सीज़न हैज़ एंडेड, कौन सा सीज़न ख़त्म हुआ है, तो इसमें तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, स्प्रिंग, समर, रेन। तो आपने पोयम को पढ़ा है, पोयम की पहली ही लाइन में है द समर हैज़ एंडेड, तो आप जैसा मैंने लगाया है समर पे टिक लगा लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन विल ओनली, बच्चे केवल क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्टडी, सेकंड ऑप्शन है राइट, और थर्ड ऑप्शन जो है हैव फन। ये तीनों ऑप्शन है जिसमें सही होगा चिल्ड्रेन विल ओनली हैव फन, जो कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा, फर्स्ट स्टेंजा में मिलेगा सॉरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, द रेसेस विल लास्ट, रेसेस कितने समय चलेगा, 1 आवर 2 आवर एंड ऑल डे लॉन्ग। तो स्टूडेंट, पोयम में आपने पढ़ा है रेसेस विल लास्ट ऑल डे लॉन्ग, तो ऑल डे लॉन्ग पे टिक करेंगे। एंड इसका फोर्थ क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन आर वेलकम टू ब्रिंग इन देयर, तो ऑप्शन है बॉय टॉयज, सेकेंड ऑप्शन है पेट्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस, तो चूँकि बच्चों को अपने खिलो। एंड स्टूडेंट, हेयर इज क्वेश्चन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज बट दिस ईयर इज टोटली डिफरेंट, हाउ इज द ईयर डिफरेंट, देन इट्स आंसर वी विल ओनली हैव फन। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट विल द स्टूडेंट नॉट स्टडी, आंसर इज मैथमेटिक्स, एंड थर्ड वेयर विल दे प्ले गेम्स, सो दे प्ले गेम्स इन क्लासरूम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इज वॉट विल द चिल्ड्रेन डू फॉर देयर होमवर्क, सो आंसर इज दे प्ले देयर वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ इज वॉट विल द लंच रूम सर्व टू द चिल्ड्रेन, तो द लंच रूम सर्व द चिल्ड्रेन चॉकलेट, हेयर आई राइट चॉकलेट। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिड यू एंजॉय द पोयम,
गिव टू रीजन्स, यस इट अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग। यस स्टूडेंट, इन दिस स्टेप प्ले विथ वर्ड्स एंड हेयर इज सम होमोफोन्स विच मैच टू दियर सेम प्रोनाउंसिएशन। एंड स्टूडेंट, होमोफोन इज ए वर्ड विच हैव अ सेम प्रोनाउंसिएशन। होमोफोन एक ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा होता है बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन इसकी मीनिंग अलग अलग होती है। सो हेयर इज सम प्रोनाउंसिएशन एंड विथ दियर होमोफोन।